गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मॉन्टेसरी की टीचर हूँ। तो बच्चों, आप सभी आज हिंदी लिटरेचर बुक निकाल कर बैठिए। अब आप सभी चैप्टर वन निकालिए। आप लोगों ने याद कर रखा होगा कविता को, मेरे साथ एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, दोहराइए। मैं फिर यही होमवर्क दूंगी ताकि आप लोगों का हमेशा याद रहे। आँखें खोलो आलस त्यागो, हुआ सवेरा अब तो जागो। सूरज आसमान में चमका, धरती का है कण कण दमका। दिशा दिशा का मीठा अंधेरा, धरती पर किरणों का डेरा। जाग उठा है कोना कोना, ठीक नहीं अब इतना सोना। आंखें खोलो आलस त्यागो, हुआ सवेरा अब तो जागो। तो आप सभी ने ये कविता अच्छी तरीके से याद कर रखा होगा। और पेज पलटिए, पेज पलट कर आइए। यहाँ देखिए, इसी चैप्टर का सही ऑप्शन चुनना है, जो सही है उसमें टिक लगाना है। सूरज कहाँ से चमका? आसमान से। सुबह होने पर अंधेरा कहाँ से मिट जाता है? सब जगह से। धरती का कोना कोना कब जाग उठता है? सूरज के आने पर। फिर आप पेज पलट कर निकालिए इस पेज को, पेज नंबर 12। यहाँ देखिए, समान तुक वाले शब्द हैं। त्यागो जागो, अंधेरा डेरा, चमका दमका, सोना कोना, ये हो गया समान तुक वाले शब्द। और इसमें यहाँ नीचे आइए, शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। आलस, इसका अर्थ है सुस्ती। वाक्य क्या है? आलस करना अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ देखिए, डेरा, रहने की जगह, इसका वाक्य क्या हुआ? पेड़ पर पक्षियों ने डेरा जमाया। अब आ जाइए ग, आसमान। आसमान का मीनिंग आकाश। इसका वाक्य हुआ, आसमान नीला है। उसके नीचे देखिए धरती। धरती का क्या है अर्थ? भूमि। इसका वाक्य क्या है? धरती हमें सब कुछ देती है। यहाँ है में एक ही मात्रा छूटा हुआ, बच्चों इसको ठीक कर लीजिएगा। हाँ, तब बच्चों, आज मैं आप सभी को होमवर्क में रिवाइज चैप्टर वन बुक सारा वर्क करना है, कविता भी याद करना है, और जो मैं वर्क करवाई हूँ उसको भी करना। थैंक यू बच्चों।